पता है मैंने ना बचपन में ना एक डायलॉग सुना था गुलशन ग्रोवर का, जिसमें गुलशन ग्रोवर ने कहा था कि जिंदगी का मज़ा जो है ना खट्टे में है, या फिर जिंदगी का मज़ा जो है ना गोल गप्पे में है। मुझे ना डायलॉग बड़ा अच्छा लगता था। मैं अपने स्कूल में ना बार बार या कॉलेज में जिंदगी का मज़ा गोल गप्पे में है, जिंदगी का मज़ा खट्टे में है, ये डायलॉग मारती रहती थी। लेकिन जब मैं साउथ इंडिया आई तो यहाँ मुझे मिले ये पड्डू, ठीक है, ये पड्डू मिले मुझे यहाँ पे। आंटी ने ठीक से नहीं बनाया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और मिली ये लाल चटनी, और मुझे पता चला कि ज़िंदगी का मज़ा जो है एक्चुअली में पड्डू में है, एंड इस लाल चटनी में है, जो कि आई थिंक अनियन, टमाटो एंड पीनट या फिर कोकोनट से बनती है। और मेरी ज़िंदगी तृप्त हो गई, यू नो। आई मुझे पकौड़े कभी अच्छे नहीं लगे जो बनते हैं हमारे वो नॉर्थ इंडिया में। हालांकि और प्रकार के बेबी कॉर्न पकौड़े तो मुझे पसंद है, बट उसके अलावा जो आलू वालू ये वो मुझे पसंद नहीं। लेकिन जो मुझे अच्छे लगे हैं ये पड्डू, ये डोसा बैटर के बनते हैं, इसमें कई चीज़ें डाली जाती है, जैसे कैरेट और पता नहीं क्या क्या, अनियन, और उसके बाद ये बनते हैं। इतने टेस्टी होते हैं, मज़ा आ जाता है। अगर आप में से कोई भी कभी भी साउथ इंडियन आए, साउथ इंडिया बैंगलोर आंध्रा कभी भी आए, तो आप जो हैं ये पड्डू का सेवन ज़रूर करें इस लाल चटनी के साथ। ए टू बी, नंदिनी, भगिनी, यहाँ पे बड़ी सारी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और एक ना वो केले का पत्ता सजा के उसमें ना वो उसमें सारा खाना रख देते हैं, साउथ इंडियन रसम सांभर ये वो पता नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई होंगी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो कभी आए साउथ इंडिया तो नंदिनी, भगिनी, ए टू बी आप जाके जो है ऐसी चीज़ों का मज़ा उठाएँ, और ज़िंदगी का मज़ा जो है पड्डू में है। बाय।